मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड LT कला का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। यह प्रश्न पत्र DSSV, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और स्टेट्स में जो भी आर्ट्स की वैकेंसी निकलती है उन सभी के लिए यह प्रश्न पत्र उपयोगी होगा। तो यदि आप भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। किस पुराण में कालानम परवरम चित्रम लिखा है? चार ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, सही आंसर होगा इसका रोमन प्रभाव। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना बंबई में कब हुई? 1947, 1920, 1907, 1945। तो सही आंसर होगा इसका 1947 ईस्वी। मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शनों को देखिए। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, रोमन शैली में बने पोम्पई नगर। लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? जोगीमारा, सितनवासल, बाग, अजंता। तो चारों ऑप्शनों में से सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, जोगीमारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1915, 1920, 1907, 1910। तो सही आंसर होगा इसका 1907 ईस्वी। वृत्त की परिधि पर स्थिति किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? वृत्तखंड, व्यास, केंद्र, जीवा। सही आंसर होगा इसका जीवा। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र की रचना किसने की है? चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा इसका मकबूल फिदा हुसैन। कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो यह जो स्टेटमेंट है यह प्लेटो के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा का अंत, जीवन वृक्ष। तो सही आंसर होगा इसका जीवन वृक्ष। ईरानी शैली एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है? चार ऑप्शन यहाँ होंगे, तो सही आंसर है मुगल शैली। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, 17वीं गुफा में। कला अभिव्यंजना है, किसने कहा? क्रोनचे। भारत में कैनवास पर तैल चित्र की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं? राजा रवि वर्मा। भरहुत स्तूप संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से। चारों में से सही आंसर होगा इसका शुंग काल से। वास तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे? चारों ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा इसका अब्दुल रहमान चुगताई। सितनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। सही आंसर होगा इसका जैन धर्म से। चौगन प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? जोधपुर शैली। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है?
फूल पक्षी फल बच्चा। सही आंसर है फूल। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? साइबेरिया का सारस। बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया? महेंद्र पाल ने। अजंता की गुफा संख्या एक में बना विश्व विख्यात चित्र है? माता और शिशु का, पद्म पाणि बोधिसत्व का, बैठे हुए बुद्ध का, मंजीरा बजाती महिला का। सही आंसर होगा इसका पद्म पाणि बोधिसत्व का। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था? सही आंसर इसका डी ऑप्शन माइकल एंजलो। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स तीन लड़कियां किस माध्यम से चित्रित है? सही आंसर होगा इसका तैल चित्र। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है टेम्परा। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? चार यहाँ ऑप्शन है। सही आंसर होगा संसार चंद। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? निहाल चंद। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं? अवींद्रनाथ टैगोर। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? दक्षिणी शैली। चंवर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है? दीदारगंज पटना में। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा है तो बी ऑप्शन होगा मेवाड़। दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है नर्तक रागमेघ बाज मारुरागनी। सही आंसर है इसका नर्तक। गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्तिकाल की विषय वस्तु है? महाभारत भागीरथी की तपस्या रामायण भगवान बुद्ध। सही आंसर है इसका भागीरथ की तपस्या। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1920 22 25 या 19? तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन 1919। आइडियल्स ऑफ इंडियंस आर्ट के लेखक हैं? ई वी हैवेल। क्यूरोस क्योर है चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? यामिनी राय को। गौथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? चित्रकला संगीत भवन निर्माण या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भवन निर्माण यानी स्थापत्य कला। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वर्णिका भंग। चित्रकला मूर्तिकला वा वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है लोथल में अजंता में जोगीमरा में सिंधु घाटी में। सही आंसर होगा बी ऑप्शन अजंता में। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है किसने कहा है? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे? मिशिकन। बी ऑप्शन सही होगा। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? ताड़पत्र पर। रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तो रूमी कलम का संबंध लखनऊ से था। पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? त्रिकोणीय।
एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है भंवर। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं? चार ऑप्शन है, परिधि, त्रिज्या, व्यास, केंद्र। तो सही आंसर है इसका परिधि। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो सही है 3, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है? धर्मराजिका स्तूप। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल केंद्र मिर्जापुर स्थित है? कैमूर पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में। सही आंसर है कैमूर पहाड़ी में। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो सही आंसर है इसका विंध्यांचल पर्वत श्रेणी में। धरातल की बनावट को कहते हैं? पोत। चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया? नंदलाल बोस ने। तो डी ऑप्शन सही होगा। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उन्हें कहते हैं? सही आंसर है आवृत रेखाएं। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? वान आइक बंधु। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? बिमल शाह मंदिर से। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? व्यक्ति चित्र। खर्रा चित्र है, चार ऑप्शन यहाँ दिए हैं। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा तंजौर तमिलनाडु में। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है? बेरुल। पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है ललित कला तथा उपयोगी कला। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है? न्यून कोण। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? सही आंसर है सचिंद्रनाथ बोस एवं सुकुमार के द्वारा। वर्ण के कितने गुण होते हैं? 3। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले। निम्न में से लक्ष्मा गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? सही आंसर होगा परिवार। निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है? सही आंसर है मूर्ति कला। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? अब्दुल हसन। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? मंडना। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? चार ऑप्शन है यहाँ पे। सही आंसर है राम किंकर वैज। चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से। स्केचिंग है, तो स्केचिंग है त्वरित रेखांकन। बनी ठनी राधा चित्र किया? निहाल चंद ने। सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है समांतर रेखाएं खींचने में। बाटिका में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था? राजा संसार चंद का।
वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 360 का, पीला और लाल रंग मिलने से बनता है नारंगी रंग। MF हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है मदर टेरेसा। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम है श्रम की विजय। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? सही आंसर है व्याकुलता। वीणा वादनी किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं अंतराल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी हैं? तो ये बनी है कास्ट से। खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। निम्न में से कौन सी एक घनाब आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही आंसर है सेब। दो पहिए वाली कांस्य की तीन बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैंगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? कोणांक का सूर्य मंदिर। ऐपण संबंधित है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, उत्तराखंड से। अली रजा प्रमुख चित्रकार थे बीकानेरी शैली के। गुरु 1800 की स्थापना हुई वर्ष 1963 में। त्रिज्या होती है व्यास का आधा। भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, लहरिया। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ड्यूरर। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम है? सही आंसर होगा मालवा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है लाल चूना पत्थर का। नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है डी ऑप्शन, टेरा कोट। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे सेवक राम के। तो मित्रों, इस तरह से उत्तराखंड LT आर्ट का यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। यदि आप आर्ट के अभ्यर्थी हैं तो हमने आपके लिए पहले से ही बहुत सारे प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। इसके अलावा भी हम आपके लिए और भी पुराने प्रश्न पत्र लाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।